डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ वन मोल ऑफ द सुक्रोज यील्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से लग जाएगा। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस सोच लो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। कह रहा कि टू मोल्स ऑफ गैलेक्टोज, फिर कह रहा टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज, फिर कह रहा वन मोल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मोल फ्रक्टोज, और फिर कह रहा वन मोल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मोल गैलेक्टोज। तो आपके दिमाग में बिल्कुल बात फिट है क्या कि अगर आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है ना। अगर आप C12H22O11 सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक मॉलिक्यूल C6H12O6 और दूसरा C6H12O6, जिसमें ये कीटोनिक कंपाउंड है और ये जो है वो कैसा है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, समझ में आ रहा है। यानी ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि वन मोल ग्लूकोज और वन मोल फ्रक्टोज बनेगा, यानी आंसर सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा।